हेलो एवरीवन, आज हम पटेला फ्रैक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पटेला या कटोरी की हड्डी एक ऐसी हड्डी होती है जो हमारे घुटने के सामने की जगह पे होती है। इसका काम होता है घुटने को सीधा करना, जैसे कि मैं अभी इस मॉडल में आपको दिखाता हूँ। ये नी का मॉडल है, इसमें ये सामने ये हड्डी है, ये कटोरी की हड्डी है। इस हड्डी का काम होता है घुटने को सीधा करना, जैसे आप जब मोड़ के बैठते हैं तो ये ऐसे सीधा करती है। ये इसकी कटोरी की हड्डी है, तो इसमें जब भी अपन मोड़ते हैं नी जॉइंट तो इसका फंक्शन यहीं से होता है। तो ये कुएं की चक्री के समान होती है, इसके ऊपर मसल होती है, इसको क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, जो आपकी जांघ की मसल है, और नीचे पटेला टेंडन होता है। तो इसको एक्सटेंसर मैकेनिज्म बोलते हैं, मतलब पूरे घुटने को सीधा करने का मैकेनिज्म। एक्सटेंसर मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सटेंसर मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप पैर उठा नहीं पाएंगे। तो इसमें जब पहले चोट लगती है तो जनरली उसमें ब्लड जमा जाता है, तो उस ब्लड के कारण रेडनेस होती है या वहाँ ब्लू स्टिंज होता है, उसको पहले निकाला जाता है। उसको निकालने के बाद प्लास्टर लगाते हैं, एक दो दिन वेट करते हैं, स्वेलिंग का बनेगा, सर्जरी करते हैं। सर्जरी सिर्फ उन्हीं मरीजों में की जाती है जिसमें एक्सटेंसर मैकेनिज्म टूटा हो, मतलब भले फ्रैक्चर हो पर अगर मरीज लेट के पैर सीधा उठा ले रहा है, मतलब स्ट्रेट लेग रेजिंग उसका नॉर्मल है, तो उसमें वो सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकता है। लेकिन अगर वो सीधा नहीं उठा पा रहा है तो उसमें सर्जरी करनी ज़रूरी है। तो इसमें सर्जरी बहुत सारे प्रकार की होती है, जैसे कुछ सर्जरीज होती हैं जिसमें हम इसमें तारों से बांध देते हैं, इसको टेंशन बैंड वायरिंग बोलते हैं। तो ये स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिसमें वो कंप्रेशन कॉज करता है और फ्रैक्चर जुड़ जाता है। दूसरा, इसमें कई बार छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको निकालना पड़ जाता है और उसको फिर नीचे टीबिया बोन से डायरेक्ट वायर से जुड़ना पड़ जाता है। कई बार पूरी हड्डी को भी निकालना पड़ता है अगर बहुत सारे टुकड़े में हो। और इसमें 2 से 3 हफ्ते के बाद मूवमेंट पूरी अच्छे से चालू कर देते हैं, और मूवमेंट अगर अच्छे से पेशेंट एक्सरसाइज फिजियो करेगा तो जनरली इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे कि एक मरीज, इनका ऐसे स्वेलिंग है पर इनको हमको सर्जरी नहीं करना पड़ा था क्योंकि ये पैर पूरा सीधा उठा रहे थे। ये लगभग 15 दिन बाद का है, लगभग पूरा घुटना मुड़ जा। जैसे ये एक मरीज है, इसका पूरा का पूरा अलग है, तो इसमें सर्जरी कंपलसरी। इसमें इसको टेंशन बैंड वायरिंग से ऐसे बांधा गया और लगभग 1 महीने में पेशेंट फिट